आज तो गले को भी आजादी मिल गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या सबब है के खुशी छाई है, क्या सबब है के खुशी छाई है, आज हिंद में बहार का 75वां साल हम लोग मनाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सारे लोगों के लबों पर, हिंदुस्तान के सारे इंसानों के लबों पर, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसी हो, जैन हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, मर्द हो, कोई भी मतलब से ताल्लुक रखने वाले, मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनके लबों पर, उनके होठों पर आजादी की खुशी छाई हुई है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या सबब है के खुशी छाई है, आज दुनिया में नहीं, आज हिंद में बहार आई है। अभी अभी आपने हिंदुस्तान का ताना सुना। हिंदुस्तान के ताने के अंदर अल्लामा इकबाल ने इस तरीके से अल्फाज को पिरोया है कि आने वाली जिंदगी तक के लिए लोग इन अशआर को सुनते रहेंगे। और आजादी किस तरीके से हुई, आजादी में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया, लोग जब तक हिंदुस्तान में जिंदा रहेंगे आजादी की जश्न में अल्लामा इकबाल के इन शेर को अपने सामने रखेंगे। आज आप लोगों को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि वो अल्लामा इकबाल जिन्होंने इस तराने को लिखा, बॉम्बे के अंदर उनकी पोती को मैंने किताबत सिखाया है। मैंने नल बाजार जो शाफी मस्जिद है उनके ऊपर अल्लामा इकबाल की पोती रहती थी, 1951 के अंदर मैंने उनको किताब सिखाया है। उस अल्लाह 91 के अंदर मैंने उनको किताब सिखाया है। इसलिए हमको भी फख्र है अल्लामा इकबाल के ऊपर। और मेरे भाइयों और दोस्तों, ये आजादी जब इंसान को मिलती है तो कितनी खुशी होती है, चाहे वो आजादी किसी भी शक्ल की हो। इंसान जानवर को परिंदे में आप कह दो बंद कर दे, और जब उसको जाल से निकालिए तो देखिए वो किस तरह से भागता है खुशी खुशी अपनी आजादी के लिए, जंगल से बचने के लिए वो किस तरीके से जो है भागता है। तो इसी तरीके से हिंदुस्तान में आजादी के लिए लोगों ने जिस तरीके से हिस्सा लिया, उसमें हर कौम के लोग जो है शामिल है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान की आजादी में अंग्रेजों से जिन्होंने अपने वतन को आजाद कराया, उसमें सिर्फ एक कौम की ही हिस्सेदारी नहीं है, बल्कि जितना और कौमों ने इसे आजादी में हिस्सा लिया है उससे ज्यादा जो है उलमा ने इस आजादी में हिस्सा लिया है। और खसूसन ये पटना जिसका नाम पहले पाटलिपुत्र जो है
रखा, उसके बाद जो है पटना बना, उसके उससे पहले इसका नाम जो है अजीमाबाद सादिकपुर था। मेरे भाई और दोस्तों, वहां के उलमाए हक ने जो है आजादी में तहजीबी हिस्सा लिया और अपने जवानों को बिना झिझक हिंदुस्तान को आजाद कराने में लगा दिया। और इनके अलावा और भी उलमाए किराम ने बिना मसलक हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा लिया। इसलिए अगर कोई भी इंसान, कोई भी मजहब वाला ये अगर मुसलमानों को जो है जब किनार करके अगर चलेगा कि मुसलमानों का आजादी के आजाद कराने में, हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने में मुसलमानों का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे तमाम मजहब के लोगों को जो है हम बायकॉट करते हैं। इंशाल्लाह तफसील से मरकज तहफीज कुरान के नाज़िम आला आप तमाम लोगों को जो है आजादी की तफसीलात जो है आप लोगों के सामने जो है रखेंगे। मैं सिर्फ यही एक शेर जो है मैं कहना चाहता था कि आज हिंदुस्तान की गली गली के अंदर, गलियों के अंदर, रोडों पे, चौराहों पे, हर आदमी के लबों के अंदर जो है लबों पर खुशी के छाए हुई है। क्यों? इसलिए कि उनके पुरखों ने, उनके सादका जो है शख्सियात ने अंग्रेजों से आजाद कराकर मुल्क में रहने का जो है हक दिया। इसलिए मुसलमानों को यहाँ आजादी के साथ रहने के लिए कोई आदमी जो है उसके ऊपर अंगुश और जो है अंगुली नहीं उठा सकता। अगर किसी की भी अंगुली उठेगी तो उसी वक्त जो है उनकी उंगली को नीचे भी कर दिया जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को जो है खत्म कर रहा हूँ। ये क्या सबब है कि ये खुशी छाई है आज हिंद में बाहर आई है। अस्सलाम वालेकुम।